वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम नॉर्थ कैब यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं जो गुड़गांव में है, और आज हम नॉर्थ कैब यूनिवर्सिटी का एक एक चीज आपको दिखाएंगे दोस्त। नितिन कैमरा वंश सिद्धेश्वर, आइए दोस्तों दिखाते हैं। नमस्ते भैया। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमें सबसे पहले एंट्री पे अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा, आईडी कार्ड। देख सकते हैं, विदाउट आईडी कार्ड आपकी एंट्री नहीं होगी। पर मेरी हो जाएगी। आइए दोस्तों दिखाते हैं हम आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा आते ये लोन आता है, गार्डन टाइप है जो भी है। और इसकी एक मेन बात ये है कि दोस्तों, अगर आप इसके अंदर घुस गए स्टूडेंट, तो आपको 500 रुपए फाइन लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हम जा नहीं सकते, स्टूडेंट नहीं जा सकते। हमारा छोटा सा स्विमिंग पूल है। और दोस्तों, ये हमारी नॉर्थ कैप की न्यू बिल्डिंग है और ये हमारी ओल्ड बिल्डिंग है। चलो उस रास्ते से चलते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ओल्ड बिल्डिंग का नजारा दिखाएंगे, आओ दोस्तों। सूरज से लिखा हुआ NCU, ये फूल बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मौसम। ये है रेड कार्पेट, रेड कार्पेट है। और वहां मेरी फोटो लगी है रेड ड्रेस में। आपको एक रोमांचक चीज दिखाएंगे, जो हमारे ऐश्वर्या जी की क्या लगी है, फोटो लगी है। यह बहुत ही तगड़े डांसर है, बहुत ही तगड़े जेन्युइन डांसर है ये। देख सकते हैं दोस्तों, और फेस मिला सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। और हमारे कैंपस की खास बात यह है कि ये बहुत ही क्लीनेस्ट कैंपस है, इंडिया के टॉप में आता है, जो बहुत ज्यादा साफ सुथरा है। आइए दोस्तों हम चलते हैं अंदर। अंदर जाएंगे पहले, हम आपको क्लासेस दिखाते हैं कैसे है क्लास। आ जाओ, अभी नहीं जाते। ये हमारी ओल्ड बिल्डिंग का गेट है। ये सिक्योरिटी रूम, तुम्हारा कुछ सामान गुम हो जाए तो लॉस्ट एंड फाउंड रूम है दोस्तों, सिक्योरिटी रूम है। यहां पर हमारी ये है, ये हमारा एचआरआईडी ऑफिस है, और वो हमारा एडमिशन ऑफिस है। और ये लिफ्ट है, हम अभी ऊपर जाएंगे, आपको दिखाएंगे लिफ्ट में कैसे क्या काम। ओह यार चल रही है, ऐसे कभी कभी नहीं चल रहा। ये एडमिशन ऑफिस, ये यहाँ पे वॉशरूम है, अटेंडेंट मेली का फैकल्टी है, बट इसमें जा सकता है कोई भी। मेल आई है रिसेंटली, 500 रुपए का फाइन लगेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड साइंस का वो है, टीचर होते हैं, एचओडी टीचर बैठे हैं। आगे देखो, ये है न्यू क्लास। चलिए दोस्तों चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारी क्लासेस फर्स्ट ईयर के। यहाँ पे आप बेंच देख सकते हो, फर्स्ट ईयर नहीं सब ईयर वाले बैठ सकते हैं, लगभग फर्स्ट ईयर भी बैठते हैं। ये देखो बेंच देख सकते हैं कैसे हैं, और खास बात क्या है, ये देखो स्लो बना रखा है, ये ताकि अच्छे से रिजल्ट हो सके। प्रोजेक्टर लगा दोस्तों, प्रोजेक्टर लगा, और हर एक रूम में 4 एसी लगी है। हमारे यहाँ पे 5 एसी लगे हैं। और सबसे रोमांचक चीज हम दिखाते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये क्या है, ये पंच सिस्टम है, मतलब आपको अभी पंच नहीं हो रहा क्योंकि आज ऑफकोर्स छुट्टी हो गया था, अभी हो गया तो जैसे पंच हो गया। देख सकते हैं, तो इसका काम क्या है कि एक तो हमारे यहाँ क्या प्रोक्सी नहीं लग सकती। आप कभी सोच रहे हो कि बंक करके प्रोक्सी लग के हो जाएगा काम, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या है, आपको ना अगर मान लो 10:30 बजे क्लास है, तो आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर 10:41 भी हो गए ना, आपकी एब्सेंट लग जाएगी उस दिन की, सिर्फ 10:30 से 10:40 तक का टाइम मिलेगा, 10 मिनट। उसके बाद आप चाहे किसी को बुला लो, कोई आपकी प्रेजेंट नहीं लगेगी। जब टीचर पंच करती है, और टीचर भी बहुत पंचुअल है, वो भी एग्जैक्ट टाइम पे कर देती है। आइए दोस्तों, ये रूम का टाइम टेबल है, ये रूम नंबर 30 और लगभग सारे रूम ऐसे हैं दोस्तों। तो फर्स्ट फ्लोर के लगभग ऐसे रूम हैं, रूम 30। तो आइए आपको हम दिखाते हैं अपना बाहर का गार्डन, हमारी कैफे दिखाते हैं, और लेफ्ट दिखाते हैं कैसा। आ जाओ, हाँ ये तो नीचे आती है ना, फिर ऊपर जाएंगे। हाँ, फिर हम उसके बाद जाएंगे लाइब्रेरी, जो थर्ड फ्लोर से है। ये कोई चीज है,
जनरेटर क्रिकेट का मैच हो रहा है दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, और यहाँ हर सैटरडे संडे मैच होता है। आप एनसीओ हैं तो अभिमन्यु जरूर ज्वाइन करें। हम उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, अभिमन्यु क्या है, क्या चीज़ है, क्लब्स क्या है, सब। अब हम जा रहे हैं अपनी कैफे टाइम कैफे सड़क तो देख सकते हैं आप, सड़क हमारे यहाँ बहुत हाई टेक सड़क है, देख सकते हैं दोस्तों। सिविल इंजीनियर लैब्स, केमिकल लैब्स तो नहीं है, सोलर पावर प्लांट, स्पोर्ट्स सेंटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब्स, उस तरह है सारी। हम आपको बाद में दिखाएंगे, अभी जा रहे हैं कैफे 10। यहाँ कैफे 1 है, कैफे 10 है, बी से कैफे कैफे 10 है दोस्तों, जो कि एनसीयू की क्या है कैफे, और यहाँ सिस्टम क्या है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है क्योंकि आज वो है, और आप यहाँ ऐसे कुछ नहीं ले सकते, आपको ये कार्ड खरीदना पड़ेगा, और जब जाके आपको इसमें पैसे डलवाने पड़ेंगे, 100 रुपए का रिचार्ज होता है इसमें, हाँ तभी आप कुछ ले सकते हैं। और यहाँ लगभग ना खाना बताऊँ, जेन्युइन बहुत तगड़ा खाना मिलता है लगभग, मतलब हमने और यूनिवर्सिटीज का ट्राई किया है, उसके हिसाब से बहुत जेन्युइन खाना मिलता है, और ये जैसे आप सब देख सकते हो। हम आपको इंक्यूबेशन में दिखाएंगे क्या चीज है, आ जाओ। बता नहीं, अभी बताएंगे। जिन्होंने हॉस्टल ले रखा है, और एनसीयू में सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हैं वो पीजी में रहते हैं। आइए आप और चीजें दिखाते हैं, और गर्ल्स हॉस्टल है कैंपस में नहीं है, वो कैंपस से बाहर है, मतलब थोड़ी दूर है पर ज्यादा दूर नहीं है। ये है पेड़, दिस इज बोगनवेलिया, इट हैज पिंक पिंक फ्लावर्स। आइए दोस्तों अभी हम चलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर, आइए और आइए हमारे यहाँ पे, हम अब की अंडरग्राउंड में आ चुके हैं दोस्तों, वो हमारी क्या है, जिम है, मतलब कैंपस के अंदर जिम भी है, जिसका एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज है 1000 रुपीज। अभिमंच का ऑडिशन भी यहीं पे हुआ था, मेन इंक्यूबेशन सेंटर जिसे कहते हैं वो वहां सामने है, इसका दरवाजा बंद है, उधर लैपटॉप्स वगैरह रखे हुए हैं, काइंड ऑफ लैब टाइप ही है, जैसे हैकाथॉन वगैरह कुछ चीजें होती है, तो वहां पे पता नहीं यही पे होता है, जो होता है प्रैक्टिस होती है, जो भी फैशन क्लब है, वुमेंस क्लब है, एक्टिंग क्लब है, जो भी क्लब है, डांस क्लब है, वो यही प्रैक्टिस करते हैं लगभग। तो आइए, अभिमंच का एक अपना रूम भी है अलग से, और इस एनसीयू में सबसे तगड़ा क्लब है वो अभिमंच क्लब, सबसे तगड़ा जेन्युइन क्लब जिसे बोलते हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, औरों में भी है बट वो एकदम सेंटर है। अगर आपको एक्टिंग का मतलब शौक है, गाने का शौक है, क्रिएटिव टीम का शौक है, तो आप वहाँ, ग्राफिक्स का भी शौक है, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट का, वहाँ आपको ट्रेन कर देंगे तगड़े लेवल पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभिमंच क्लब का रूम क्या। और सिर्फ एक ही क्लब है जिस यूनिवर्सिटी से बाहर गया, जो कि अभिमंच है, हम अभी रिसेंटली बनारस गए थे, और कोई भी क्लब इस यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं गया अभी तक। तो ये तो वही है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर भी ये बंद है, ये अभी ये बंद है, यहां भी बैठे खाने खाते रहते हैं, यहां प्रैक्टिस करते रहते हैं डांस क्लब के लोग, नथिंग स्पेशल। तो आइए दोस्तों आपको हम लैब वाले एरिया में ले जाते हैं, छोटी गली से चलते हैं, यहां से चलते हैं, ये बहुत ही, वो ये भी है,
खास बात क्या है, इसमें नॉर्मल स्टूडेंट अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ प्रोफेसर अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं या जो भी पेड़ है स्टूडेंट्स वगैरह नहीं आते। हाँ पेड़ है, और एनसीयू जो पार्किंग है ना वो एनसीयू एकदम साइड में बना रखी है, दो पार्किंग है एनसीयू की, इस तरफ है और एक इस तरफ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए अभी आपको ये दिखाते हैं स्पोर्ट्स से, अनार का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, अनारलेस पेड़। ये देख सकते हैं केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, सेंट्रल रिसर्च, वॉलीबॉल कोर्ट लैब, आइए अंदर अंदर देखा पास कोर्ट, ये न्यू टेक यूनिवर्सिटी की बस है, देख सकते हैं इसके अंदर हॉस्टल स्टूडेंट्स को कैरी किया जाता है। हाँ ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, और ये है इसमें क्या खेला जाता है, लॉन टेनिस बास्केटबॉल दोनों, लॉन टेनिस बास्केटबॉल दोनों, और यहाँ पे सारे बॉगन भी आज है नेट के ऊपर, और देख सकते हैं आइए आपको वॉलीबॉल सिखाते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट देखिए दोस्तों यहाँ क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, एक शूटिंग का लगा रखा है, एक नॉर्मल लगा रखा है, अभी हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या है। गुड़गांव की एक खास बात क्या है, यहाँ गर्मी बहुत है भाई, जनवरी में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ बट हमारे यहाँ खास बात क्या है, कैंपस में हर एक रूम में 4 एसी लगी है, पूरा कैंपस एसी है भाई, टॉयलेट तक में एसी आती है। ये हमारी लैब है, ये स्पोर्ट्स सेंटर, ये हमारा स्पोर्ट्स सेंटर है, अभी तो ये बंद है, अरे खुला है अंदर सर बैठे हैं, सुदेश सर वो टेबल टेनिस का है, वो कैरम का है, ये भी कैरम का है, और सारे स्पोर्ट्स यहीं से मिलते हैं, तो मैं परमिशन लेके आता हूँ कि हम दिखा सकते हैं नहीं, क्योंकि हम विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे अंदर है एटिकेट्स मिलते हैं, जैसे कि आप दोस्तों जैसे कि हमने परमिशन ले लिया सर से, तो हम दिखाएंगे आपको स्पोर्ट्स रूम, ये हमारे सर हैं, और हमारे यहाँ की खास बात क्या है, आपको ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा खेलने का, जो भी है आपको कार्ड देना पड़ेगा, आपका आईडी कार्ड लेंगे तब आपको देंगे, जो भी आपको गेम खेलना है, ये हमारे कैरम बोर्ड है, मतलब लगभग हर प्रकार का गेम है यहाँ, ये लगा है देख सकते हैं दोस्तों, और गर्मियों में यहाँ भी एसी चलती है, चलो मिलते हैं दोस्तों, हम अंदर वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकते दोस्तों, जैसे इसलिए हमने आराम से बोला अंदर, तो ठीक है दोस्तों अभी हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें चैनल को, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत जय हरियाणा जय हरियाणवी, ओके।